हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा प्यारे बच्चों जैसा आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर के लेक्चर सीरीज हम डाल रहे हैं कंटिन्यू आज ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ दो चार बातें भी करना चाहता हूं कुछ बच्चे एक दो ने मुझे बोला है कि सर जो आप कंप्यूटर पढ़ा रहे हो ये तो सिलेबस में लिखा नहीं है टॉपिक वहाँ तो लिखा है इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो बस ये लिखा है तो आप मेरी बात सुनो मुझे इस मार्केट में बहुत साल हो गए हैं आप आज से पहले का जितने भी जेके एस एस बी में एग्जाम हुए हैं उनका सिलेबस यही है सुनो पहले सिलेबस इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एमएस ऑफिस एंड इंटरनेट और इंटरनेट और बस ये ये होता है सिलेबस मगर आप पेपर उठा के देखिए तारीख गवाह है इतिहास के पन्ने गवाह हैं इस बात की पेपरों में जो पूछा जाता है ना तब बच्चे बोलते हैं ये कंप्यूटर कहां से पूछा है आप फाइनेंस इंस्पेक्टर 2015 का सिलेबस देखो और क्वेश्चन देखो मैं हैरान हुआ जब मैंने देखा वहां पे उन्होंने पूछा हुआ था कि कौन सी बस यूनिडायरेक्शनल है एड्रेस बस डेटा बस कंट्रोल बस और सवाल आया था पेपर में कि आइडिया एल्गोरिदम इंजीनियरिंग में पढ़ा जाता है जो वो पूछा हुआ था तो सिलेबस की चार लाइनों को रखो एक साइड पे अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो जितना मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं उस सारे कंप्यूटर को गौर से नोट बनाओ लिखो याद करो एमसीक्यू अलग से आएंगे और लेक्चर सीरीज बेहतरीन अंदाज में कंटेंट कवर कर दिया जाएगा चलिए चलते हैं आगे हमने पिछले आठ दस लेक्चर्स में हार्डवेयर पढ़ दिया है हार्डवेयर में हमने क्या क्या पढ़ा है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज अगर आपको याद हो इनपुट डिवाइसेस सारी पढ़ दी प्रोसेसिंग डिवाइसेस सारी पढ़ दी आउटपुट डिवाइसेस सारी पढ़ दी स्टोरेज सारा पढ़ दिया सेवन टी भी पढ़ा दिए अभी और एमसी पढ़ेंगे बैंकिंग के जितने भी पेपर आज तक हुए हैं सारे सॉल्व कर देंगे ठीक है चलें आगे आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं आप इस पूरे लेक्चर को रिवाइज कर दो पूरा हार्डवेयर जो है उस सबको रिवाइज कर दो यानी कि ये पूरा जो है इस सारे को पढ़ो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला यानी कि मैं पहले हम लोग थे स्टेप फर्स्ट में अब हम लोग चल रहे हैं स्टेप सेकंड में सारा कुछ सीक्वेंस से चलेगा देखो आगे आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा सबसे डिमांडिंग टॉपिक सॉफ्टवेयर चले आगे चलो तैयार हो जाओ इस मंजिल पे पहुंचने के लिए क्या होता है सॉफ्टवेयर आखिर क्यों एग्जामिनर ने इसको डाला सिलेबस में देखो आराम से कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो सुनो बातें वो नॉर्मल लैंग्वेज में oh, में बोलते हैं बोलते हैं हैं कमांड्स कमांड्स क्या इनको कंप्यूटर इन बातों को बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन क्या क्या इंस्ट्रक्शन ऐड वन नंबर तो मैंने ऐड कर दिया नंबर टू सॉरी एंटर वन नंबर तो डाल दिया एंटर अनदर नंबर दूसरा नंबर एंटर कर दिया तीसरी कमांड एड दीज टू नंबर आंसर आ गया पांच तो ये एक इंस्ट्रक्शन है क्या है इंस्ट्रक्शन ऐसी ढेर सारी इंस्ट्रक्शन है प्लस वाली माइनस वाली मल्टीप्लाई वाली डिवाइड वाली ढेर सारी इंस्ट्रक्शन जुड़ती है तो उसको बोलते हैं प्रोग्राम क्या बोलते हैं प्रोग्राम कोई एक कमांड उसको क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन ढेर सारी इंस्ट्रक्शन जुड़ी तो क्या बना प्रोग्राम ढेर सारे प्रोग्राम जुड़े तो उसको क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर पेपर में आजकल यह नहीं आता वो वाला हिस्सा जिसको हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर जिसको नहीं टच कर सकते वो सॉफ्टवेयर वो बातें नहीं है एग्जाम एग्जाम में आने वाली ये सुनो क्या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम एंड ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर ठीक है आप मुझे बताओ सॉफ्टवेयर इज नोन एज ग्रुप ऑफ डैश तो क्या प्रोग्राम या ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज डैश ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज डैश इज नोन एज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जुड़ के प्रोग्राम बनता है प्रोग्राम जुड़ के सॉफ्टवेयर बनता है इतनी बातें पता बाते बाते चल गई चले आगे अब देखो प्यारे बच्चों सुनते जाओ बातों को देखो ये सॉफ्टवेयर का लेक्चर इतना लंबा जाने वाला है यानी कि इतनी लंबी सीरीज आएंगी कि इससे एग्जाम में कुछ बाहर नहीं आएगा ये आप खाली सुन लो देखो सॉफ्टवेयर का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये होता है ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स अब सॉफ्टवेयर तीन किस्म तीन के होते हैं एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ठीक है इतने पता चलिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर वो वाला सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सिस्टम को चलाता है जैसे कि सुनो अगर हमारे मोबाइल में ब्यूटी प्लस डिलीट हो जाए तो क्या होगा यही होगा फोटो खराब आएगा छाइया दाने खुरदरा चेहरा आएगा उनको फोटो नहीं सेंड कर पाएंगे मगर मोबाइल तो चलेगा ना व्हाट्सएप डिलीट हो गया यही होगा ना कि उनका मैसेज नहीं आएगा उनसे बात नहीं हो पाएगी उनका फोटो नहीं आएगा मगर मोबाइल तो चलेगा ना कुत्ते वाली ऐप किसी बच्चे ने नाम बताया था भूल गया मुझे फिर से क्या नाम था स्नैपचैट हाँ सॉरी स्नैपचैट स्नैपचैट डिलीट हो गई यही होगा ना कि मुंह चेहरे के ऊपर वो खरगोश वाले कान नहीं आएंगे जीप बाहर निकालेंगे तो कुत्ते वाली नहीं बनेगी मुंह के ऊपर जोकर वाला वो नहीं आएगा कुत्ते वाला नाक नहीं बनेगा यही होगा ना मगर मोबाइल तो चलेगा ना ऐसे सॉफ्टवेयर जो मोबाइल को चलाते हैं उनको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि हमारे मोबाइल में एंड्रॉयड सिस्टम सॉफ्टवेयर है पुराने मोबाइलों में सिम्बियन सिस्टम सॉफ्टवेयर है ब्लैकबेरी में अपना कोई सॉफ्टवेयर है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है एप्पल के फोन में अपना आई है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है अगर एंड्रॉयड खराब हो गया तो फिर फोन नहीं चलेगा जो चीज़ें कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाते हैं जो सॉफ्टवेयर उनको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ आ जाए अगर आपको समझ नहीं आई प्यारे बच्चों कमेंट कीजिएगा हम आपको दोबारा से पढ़ाएंगे ये सिस्टम सॉफ्टवेयर दो किस्म के होते हैं एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सवाल आते हैं पटवारी के पेपर में आया था टीचर के पेपर में आया था और बड़े पेपर में आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके टाइप क्या होते हैं ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी क्या होता है विंडोज क्या होता है एंड्रॉयड क्या होता है आईओएस क्या होता है ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंपाइलर क्या होता है असेंबलर क्या होता है इंटरप्रेटर क्या होता है ये हम पढ़ेंगे मगर एक बात सुनो ये हम तब पढ़ेंगे जब मैं आपको कंप्यूटर की लैंग्वेजेस पढ़ाऊंगा ठीक है सी लैंग्वेजेस सी प्लस प्लस कोबोल जब लैंग्वेजेस पढ़ेंगे तब हम ये पढ़ेंगे ठीक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक होता है हॉरिजॉन्टल एक होता है वर्टिकल अब वर्टिकल तो हमारे सिलेबस में नहीं आएगा कभी हॉरिजॉन्टल में आता है एमएस ऑफिस एमएस ऑफिस ऐसा टॉपिक है जो हम छोड़ नहीं सकते खुल के पढ़ा जाएगा ये टॉपिक एमएस ऑफिस शॉर्टकट पढ़ी जाएंगी कीज पढ़ी जाएंगी एमएस ऑफिस के वर्जन पढ़े जाएंगे एमएस ऑफिस के पैकेजेस पढ़े जाएंगे सारा पढ़ेंगे एमएस ऑफिस यूटिलिटीज ड्राइवर क्या होता है एंटीवायरस क्या होता है डिस्क डीफ्रगमेंटर क्या होता है डिस्क क्लीनअप क्या होता है ये सारा पढ़ेंगे इसमें आज के बाद आने वाले लेक्चर सीरीज का ये जो मैंने टॉपिक बनाया है ये उस सारी लेक्चर सीरीज का क्या होगा ब्लू है इसको अपनी नोटबुक पर लिख लो इसके मुताबिक अब हम सब पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस से एक स्ट्रक्चर्ड वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऐसा नहीं है एक टॉपिक यहां से उठा दिया दूसरा वहां से उठा दिया हार्डवेयर पूरा कंप्लीट कर दिया अब आरी बारी हमारी सॉफ्टवेयर की सॉफ्टवेयर को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और फिर आगे इसके एमसीक्यू करेंगे ठीक है अगर आपको समझ आ गया तो ठीक नहीं आया तो एक बार सुन लो प्यारे बच्चों सॉफ्टवेयर होता है ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 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 यूटिलिटीज हम पढ़ेंगे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं ये पढ़ेंगे और लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम लैंग्वेजेस पढ़ेंगे ठीक है याद रखना अब मत बोलो सर लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपको भूल गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं पढ़ाया पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना खोरी धोंडल सॉफ्टवेयर में एमएस ऑफिस और उसके पैकेजेस एमएस ऑफिस एमएस एक्सेल एमएस पावर पॉइंट ई इंटरनेट वो सारा हम पढ़ेंगे अलग से यूटिलिटीज में ड्राइवर भी पढ़ेंगे और हमारे सिलेबस में एंटी लिखा है तो वो भी पढ़ेंगे चले आगे तो देखो अब देखो आगे हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की अभी मैंने ऊपर आपको बताया ग्रुप ऑफ प्रोग्राम होते हैं दुनिया का सबसे पहला प्रोग्राम किसने लिखा लेडी अडा लोलेस ने लिखा है दुनिया का सबसे पहला प्रोग्राम किसने लिखा लेडी अडा लोलेस अच्छा मैं सबसे खास बात आपको बताऊं जाओ बच्चों ऐश करो क्या याद रखोगे एस्पायर अड्डा ने क्या क्या दिए हैं ठीक है खुश हो जाओ लेडी अडा लोलेस ने दुनिया का पहला प्रोग्राम लिखा है। तो आप मुझे बताओ दुनिया का सबसे पहला प्रोग्राम किसने लिखा लेडी अडा लोलेस ने अभी पढ़ाया सॉफ्टवेयर तीन किस्म के होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज अब हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता गया है अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में येलो वाला लिखो हेडिंग और ये वाला लिखो उसकी बॉडी देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू ऑपरेट कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको क्या बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो सारे के सारे रन ओवर दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ब्यूटी प्लस स्नैपचैट टिकटॉक व्हाट्सएप फेसबुक फलाना डिमका वो सारे किस पे चलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर ठीक है। अगर पेपर में आएगा बताओ कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो बाकी सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म बनाता है तो वो कौन सा है सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा था पहले नंबर पर क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सुनो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला सवाल इट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर पेपर में ऐसा भी आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर

ठीक है तो प्यार मोहब्बत में पढ़ेंगे प्यार लैंग्वेज लैंग्वेज में में तो मोहब्बत तो तो मशीन पर डिस्प्ले कौन कराएगा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम ये वाला पता चल गया आपको चलो ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो नोन एज रिसोर्स मैनेजर इसको रिसोर्स मैनेजर बोलते हैं क्योंकि हमारे कंप्यूटर की मेमोरी हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर का कीबोर्ड, माउस उस सबको कौन चलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए इसको रिसोर्स मैनेजर बोलते हैं क्या बोलते हैं रिसोर्स मैनेजर तो अभी मैंने आपको सिर्फ ये पैरा समझाया है ठीक है अब ये इसको जरा भूल जाओ अभी आप अभी मैं आपको कुछ इमेज दिखाने वाला हूं फिर हम ये पढ़ेंगे देखो इसको देखो ये देखो ये है लिखा हुआ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म यानी कि ये हार्डवेयर है और ये यूजर बैठा है कोई हम बंदा कोई बंदा व्हाट्सएप चला रहा है कोई कुछ चला रहा है तो ये बंदा यूजर है ये क्या है हार्डवेयर जब हम यूजर पे कुछ टाइप करेंगे तो सबसे पहले ये लाइब्रेरी मतलब जो हम लिख रहे हैं ना उस पर टाइप होगा उसके बाद ये सिस्टम के इंटरफेस के साथ टकराएगा यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कर्नल बहुत तो बार पेपर में आया है ऑपरेटिंग सिस्टम एक चीज क्या होती है कर्नल ये कर्नल होली सोली रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी इंसान को देखो यूजर को किसी भी हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करने के लिए तो आप मुझे बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा प्राइमरली हिस्सा ऐसा होता है जो किसी भी यूजर को हार्डवेयर से कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं कर्नल बोलते हैं ठीक है पता चल गया आपको ये डायग्राम एक बार फिर से देख लो ये यूजर है और ये हार्डवेयर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और बीच में ये कर्नल है ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा ऐसा हिस्सा होता, होता है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है उसको क्या बोलते हैं कर्नल ठीक है अब मुझे उम्मीद है कि आपको यह फिगर समझ आ गई है अगर यह समझ आ गई है अब हम चलते हैं ऊपर जो रह गया था देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में यह पढ़ दिया हमने क्या होता है इसको रिसोर्स मैनेजर बोलते हैं अब पढ़ेंगे हम कर्नल देखो सुनो जो मैं लिखा हुआ है कर्नल इज सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज मेन कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यह किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है वो क्या करता है दैट लोड्स दी प्रोग्राम

और ये होता है एंड्रॉयड का हाँ ये एंड्रॉयड का होता है ये आई का होता है ये विंडोज होता है ये होता है ये सारे सिंबल हैं याद रखने की जरूरत नहीं है अच्छा इतना पता चल गया अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल्स क्या होते हैं अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ क्या पढ़ा है हमने अभी सिर्फ पढ़ा है विंडोज अब हम पढ़ेंगे आगे अगले एपिसोड में क्या पढ़ेंगे हम हम पढ़ने जा रहे हैं कि विंडोज़ क्या होता है विंडोज की टाइप क्या क्या होती हैं एंड्रॉइड क्या होता है आईओएस क्या होता है ये सारे डिटेल में पढ़ेंगे कंप्यूटर की तो हम दजिया उड़ाने वाले हैं। तीस नंबर ऐसे नहीं आएंगे बच्चों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आईकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा ऐसी ज्यादा शेयर करें